कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने का अनाज फ्री वितरण किया जा रहा है। इस बीच जामताड़ा जिले के करमाताड़ के सीताकाटा गांव में पीडीएस संचालक कंचन स्वयं सहायता समूह की ओर से प्रत्येक कार्डधारियों को दिए जा रहे राशन में 1 किलो अनाज की कटौती की जा रही है, जिसके कारण कार्डधारियों के बीच गुस्सा है। इस बाबत जब कार्डधारियों ने दुकानदार से पूछा कि आखिर किस आधार पर 1 किलो राशन की कटौती की जा रही है, तो दुकानदार ने कहा कि गोदाम मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर किस गोदाम को मैनेज करना पड़ता है। अभी 1 किलो काट रहे हैं आप? किस लिए काट रहे हैं? गोदाम मैनेज करने के लिए, अनाज का भरपाई नहीं हो पाता है इसके कारण। कितना कार्डधारी है आपके पास? कितना कार्डधारी? 159। तो पर कार्डधारी से काटते हैं कि पर 5 किलो पर काटते हैं? नहीं, पर कार्डधारी पर काटते हैं। 10 किलो पहले मिले लेता, वो मैंने ज़्यादा कटवाना वाना चाहिए तो 22 किलो दे लो। क्या यूनिट है? छः आदमी में। वहीं आपको बताते चले कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न को पीडीएस दुकान तक पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी लागू है, ताकि लीकेज और शॉर्टेज की समस्या से छुटकारा मिल सके। फिर भी दुकानदार ये तर्क देते हैं कि गोदाम मैनेज करना पड़ता है। कितना मिलना चाहिए? 25 किलो। देख कितना रहता है? 24 किलो। कितना देगा? 24 किलो। 1 किलो काट रहे? कितना काट? 1 किलो काट। किस वजह से? हम लोग को अनाज कम आता है गोदाम से, और यहाँ शॉर्ट भी होता है, अपना गोदाम मैनेज करने के लिए इतना 1 किलो काटते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।